हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक भाटिया। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब व्लॉग दीपक भाटिया व्लॉग्स के अंदर। हम आज झगड़िया के अंदर हैं। झगड़िया में एक विश्व गायत्री मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था है लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको इधर आना है तो अपने घर से खाना ला करके इधर आप दर्शन करने के लिए आ सकते हो। हम लोग गायत्री माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अभी हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप ये देखिए, आप यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्स वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। ये श्लोक की रचना संत विश्वामित्र ने की थी। अभी हम लोग माता जी के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। ओम तत्स वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। माँ गायत्री मंदिर। अगर आप झगड़िया में आते हो और ये गायत्री मंदिर आना है आपको, तो यहाँ का ये जो टाइम टेबल है मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। शाम को 3 बजे से 7:30 बजे तक ये मंदिर 7 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। और आरती का समय जो है ये यहाँ पे लिखते हैं कि सुबह की जो आरती है, मंगला आरती जिसको बोलते हैं, वो सुबह 7:30 बजे होती है और संध्या आरती जो है वो यहाँ पे 6:30 बजे होती है। ये जो विश्व गायत्री मंदिर जो यहाँ पे झगड़िया का है, ये यूट्यूब और फेसबुक पे भी आप इसको सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम लोगों ने माँ गायत्री के दर्शन किए, उनके आशीर्वाद भी लिए। अभी हम लोग सीधे जाएंगे नर्मदेश्वर महादेव, जो नर्मदा मैया के किनारे पे आया हुआ, तो हम लोग सीधे वहाँ पे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, झगड़िया गांव में आया आकर के यहाँ पे गायत्री माता का फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन हम लोगों ने किया। बहुत अच्छा दर्शन किया, बहुत शांति मिली। आप भी जरूर आना, ये गायत्री मंदिर बहुत बड़ा विशाल है मंदिर। ये गायत्री मंदिर तो यहाँ पे भरूच में भी है, लेकिन आप एक बार इधर जरूर विजिट करना। वहाँ से दर्शन करके हम लोग सीधा है नर्मदा मैया के किनारे पे। यहाँ पे एक नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। ये जो झगड़िया जो गांव विलेज है, इसमें लगभग 8 महादेव के शिवलिंग है। उसमें अनर्केश्वर महादेव आ गए, फिर ये नर्मदेश्वर महादेव है, तो ऐसे बहुत सारे महादेव के मंदिर हैं। तो यहाँ का महात्म्य ये है कि सोमवती अमास आती है, तो अमास के दिन ही आप 8 जो ज्योतिर्लिंग अगर ये सॉरी महादेव के जो दर्शन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलता है, बहुत सारे पाप के आपको मुक्ति मिलती है। तो ये जो मैं अभी इधर आया हूँ ना, ये नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। और यहाँ पे आप देखिए पूरा नर्मदा मैया का व्यू भी देखते हैं। ये मंदिर पूरा नर्मदा मैया के किनारे पर आया हुआ है। तो ये जो टूर है ना आपकी, बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ आप जरूर आना इधर। यहाँ पे देखो बरगद के पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पे बरगद के पेड़ हैं पूरे। यहाँ नर्मदा माता जी का भी मंदिर है सामने। यहाँ पे अखंड राम धुन होती है, 24/7 होती है। हम लोग बाद में वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे सामने भी एक बरगद का पेड़ है। यहाँ पे आप पूरा फैमिली के साथ इधर आओगे ना, तो आपको पूरा एक दिन का एक मतलब एक पिकनिक हो जाएगा और आपको मन की भी शांति मिल जाएगी। आपको आपके मतलब जो काम के रूटीन से कुछ हटकर करना है, शांति चाहिए, तो इधर जरूर आना है। तो हम लोग अभी नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, तो मेरे साथ ये वीडियो पे बने रहिए।
नर्मदेश्वर महादेव का जो मंदिर हमने जो अभी दर्शन किया उसके बाजू में ये नर्मदा माता जी का मंदिर है, तो हम लोग जाके अंदर दर्शन करेंगे। अभी हम लोगों ने नर्मदा माता जी के मंदिर के अंदर दर्शन किया, रामधुन कंटिन्यू चल रही है, 24/7 रामधुन चल रही है। अभी हम लोग सीधे जाएंगे नर्मदा माता के दर्शन करने के लिए, तो हम लोग चलते चलिए बच्चा। तो ये जो हम लोग नर्मदेश्वर महादेव के पास नर्मदा माता का किनारा है, भरूच के अपोजिट साइड में है ये, और लोग सर आते भी बहुत सारे लोग, आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे सब लोग आते हैं पिकनिक के लिए भी आते हैं, ये दर्शन करने के लिए आते हैं और माता जी के दर्शन भी करते हैं और माता जी का पूजन भी करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग जाएंगे नर्मदा माता किनारे। नर्मदा मैया के किनारे आ गए हैं, तो अब नर्मदा माता जी के दर्शन किए हम लोगों ने, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। थोड़ा भूख भी लगा है, नाश्ता पानी भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये झगड़िया एरिया के अंदर जो है ना, पूरा 8 शिवलिंग है। तो सोमवती अमास के दिन ये लोग दर्शन करने के लिए सब लोग निकलता परिक्रमा करते हैं और 8 लिंग के दर्शन करते हैं। झगड़िया के अंदर ये जो नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है वो बिल्कुल नर्मदा माई के किनारे पर आया हुआ है, तो ये एक दिन का टूर हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इधर आइए देखिए। हाँ, आपको यहाँ पे आना है तो घर से खाना तो लेके आना पड़ेगा आपको, कारण क्या है आजू बाजू में खाना नहीं मिलता है। ऐसा कभी ऑकवर्ड टाइम भी होता है, यहाँ पर आश्रम भी है लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भोजनालय नहीं है। तो आप अगर घर से लेके आते हो ना खाना, तो आपको बहुत मजा आएगा, एक दिन का पिकनिक हो जाएगा आपका, तो ज़रूर आइए। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और सबसे ज़रूरी है मेरे लिए कमेंट्स ज़रूर दीजिए आप, कमेंट से क्या है मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।